गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास सिक्स, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 6.1। सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने अभी हमें सिर्फ 3 पॉइंट एक्सरसाइज कराई थी, 4 और 5 मैम हमें क्यों नहीं करा रही। तो सबसे पहले अपनी बुक निकालिए और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, ठीक है, ये ज्यामिति से रिलेटेड है। जब आपकी आपकी मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी या चलेंगी, ये मैं आपको जब ही प्रकार और जो आपका डी होता है उसके हेल्प से हम ये सब ये जो आपके हमारी एक्सरसाइज है 4 वो करेंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा तो दूंगी लेकिन आपको बहुत अच्छे से वो समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही जो हमारी एक्सरसाइज 5 है उसमें हमें ग्राफ बनाने हैं, जो हमारी एक ग्राफ की कॉपी आती है उसमें बनाने हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए उस एक्सरसाइज को भी हम कब करेंगे, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये दो एक्सरसाइज मैं कुछ टाइम के लिए आपकी बीच में स्किप कर रही हूँ और हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। 6.1 का पार्ट 1 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए, वर्ग निकालना आप सभी को आता है, पहले समझ लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक मेरी 7 तक की वैल्यू आ रही थी तो मैं 7 तक ही ले लेती हूँ। अब वर्ग होता क्या है, स्क्वायर। जैसे इसी अगर यहाँ पे किसी के ऊपर इस तरीके से 2 लिखा है ऊपर की साइड, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर यानी वर्ग। 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 = 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, ठीक है। ऐसे हम यहाँ 8 का भी ले सकते हैं और 9 का भी ले सकते हैं। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, क्लियर है। चलिए, यहाँ से हमने जब इतना कर लिया तो एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। क्या हमने देखा 1, 4, 9, 6, 5, फिर हमारा यही चीज़ रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, यानी जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो यही होंगे। क्या होगा, या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, एक हमारा 0 भी हो जाता है, क्योंकि जब हम 10 की करते हैं, 10 हमने नहीं करा, तो 10 × 10 = 100, तो लास्ट में की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी हमारी कोई भी वैल्यू जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे उनकी लास्ट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ 0, 1, 4, 6, 5, 6 and 9, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन को। ये चीज मैंने आपको समझा दी, स्क्वायर क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, आप सभी को पता है ये 1 हमारा क्या होगा, इकाई, और 8 क्या है हमारा, ढाई, क्लियर है। 81 का हम स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका फर्स्ट वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन ये क्या है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आप लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करके टाइम लगेगा। तो देखिए, इकाई का अंक ही तो हमें क्या निकालना है, वर्ग। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ही कर दो, तो क्या आ गया, 1
तो क्या लिख सकते हैं हम 81 की इकाई के अंक आर। एटी नाइन के वर्ग का इकाई का अंक एक होगा। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि मैम ने ये कैसे लिख दिया, तो आप लोग कर सकते हो किस तरीके से, 81 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 81 6561। तो ये 1 क्या है, इकाई का अंक है, तो क्या आया हमारा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है, सेकंड है हमारा 272। ठीक है, इसमें भी हमें इकाई का अंक बताना है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो क्या 272 के वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। क्लियर है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 799। तो 799 में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देते हैं, 99 का 81। तो लिख दीजिए 799 के वर्ग, देखिए 81 में भी हमें इकाई का अंक देखना है, 81 नहीं लिखना, के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, फर्स्ट के आप लोग कर लोगे, इजी है। अब देखिए सेकंड का देखते हैं क्या है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमें ही बताना है, ये जो हमें संख्या दी गई है ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा क्यों। पूर्ण वर्ग यानी जैसे 2 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4, तो ये जो संख्या है हमारी किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा क्यों हमें बताना है। देखिए हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कुछ वैल्यू है हमारी 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9, जिसमें हमारा 2 भी नहीं आता है, यानी जिन संख्याओं के पीछे ये वाली वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्लियर है क्या, जिन संख्याओं के पीछे हमारी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 वैल्यू होती है वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। और 7 क्या है, ये है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो इसलिए क्या है, ये एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, हल में हम जानते हैं कि एक पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से एक होता है, जबकि 1057 या दी गई वैल्यू में, ये मैं रफ कर दूँ, में
इकाई का अंक कितना है? 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? देखिए हमने लिखा क्या, जो हमारी 1057 है, हमें बताना है ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। हम इसका वर्ग करते हैं, फिर समझाते हैं। इससे अच्छा हमें एक शॉर्ट ट्रिक पता है। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? कि जिन संख्याओं के पीछे 014569 आते हैं, वही हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जो हमने देखा, देखिए इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी ये कंपल्सरी है कि जो भी हमारा पूर्ण वर्ग होगा उनकी लास्ट की इकाई की वैल्यू यही होगी। तो हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक ये होता है, जबकि जो हमारी दी गई वैल्यू है इसके इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका हमें कारण ही स्पष्ट करना था। इसका पार्ट सेकंड देख लीजिए एक बार, स्टेटमेंट सेम रहेगा। क्या है? 2 3 4 5 3 4 5 3 2 3 4 5 3 यही है। देखिए वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, अगर लास्ट की वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, अगर लास्ट की वैल्यू हमारी 014569 में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमें टैली करनी है, ये वाली वैल्यू हमें मैच करनी है, अगर ये वैल्यू इन वाली वैल्यू में से कोई एक भी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 3 4 5 3 में इकाई का अंक क्या है? 3 है, इसलिए यह है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप इसमें नेक्स्ट भी देख सकते हैं। देखिए थर्ड दो एक बार और समझिए। थर्ड हमारा वैल्यू है, हमारी वैल्यू है क्या है? 7928 में हमारी जो वैल्यू है क्या है? 7928। तो देखिए 8 केस में है नहीं, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पार्ट्स में आपको इसी तरीके से करना है। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो आपको पता होगा जो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 4 है तो ये हमारी सम संख्या है, और जैसे 5 है ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो चलिए हमें पता था 0 1 4 5 6 और 9 यही वैल्यू थी। इन्हीं अगर ये वैल्यू किसी वैल्यू के पीछे आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग बन जाता है ना। तो हमें पता है कि इनमें विषम संख्या कौन सी है, आप बताइए। एक तो हमारी 5 हो गई, 1 हो गई और 9 हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, 2 से भाग नहीं हो सकती ये संख्या। तो हमें बताना है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। आप देखिए, आप चाहो तो 431 का स्क्वायर करो, ठीक है, और फिर बताओगे कि इस संख्या का वर्ग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। लेकिन विषम संख्या हम लास्ट की संख्या से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा 431 है और 434 है, ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? यस, पर ये नहीं हो सकता। तो हम लास्ट की जो वैल्यू है इससे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या का इकाई का क्या लिखेंगे, दी गई संख्या
के वर्ग का इकाई का अंग एक है। एक विषम संख्या है ठीक है, इसलिए संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। आई समझ में? देखिए ये कोई संख्या है, आप मान लीजिए आपने 5 लिया और 7 लिया, ठीक है, ये छोटी वैल्यू ले रही है ताकि आपको मैं समझा सकूं। 5 का 25 और 7 का अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर कर दूं तो 49, क्लियर। तो आप देखिए जब इनके इकाई के अंक ही विषम है तो ये संख्या तो विषम ऑलरेडी हो गई। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर लास्ट की हमारी वैल्यू, जैसे हमने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर, 4 जा 16 हमारी क्या है, सम संख्या है, 6 हमारी क्या है, सम संख्या है, यानी ये क्या हो गया, सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि हम इतना बड़ा ना करके, इनका पूर्ण वर्ग ना निकाल के हम अगर लास्ट की वैल्यू को टैली कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सम है और कौन सी विषम। तो वही चीज़ हमने करी, हमने देखा 431 में हमने जब 1 का स्क्वायर करा तो वो क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 एक विषम संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। क्लियर है? आप इसमें कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, स्टेटमेंट सेम रहने वाली है। जैसे हमने ले लिया 2826। अच्छा आप इसमें बताइए 2826 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हम नहीं करते, ठीक है, हमने क्या करा, ओनली 6 का स्क्वायर करा। किसका स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर करा तो 36 आया। तो 36 कैसी है वैल्यू हमारी, सम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 है और 6 एक सम संख्या है, इसलिए संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा। क्लियर है? आप पूरी कैलकुलेशन ना कीजिए, हमें क्या करना है, इजी से इजी तरीका अपनाना है। इजी तरीका तो यही है कि लास्ट के इकाई का अंक को देख लो कि वो अगर सम है तो संख्या हमारी सम है, और अगर वो विषम है तो हमारी पूरी संख्या जो है उसका वर्ग क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब लास्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये थोड़ी ट्रिकी है, इसमें हमें कैलकुलेशन से ज़्यादा ट्रिक यूज़ करनी है। ऐसे इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ एक भी जीरो नहीं थी, तो इन दोनों के बीच में कोई जीरो नहीं थी, यहाँ 10 थी, तो 1 यहाँ 1 यहाँ। अब यहाँ देखिए 20 है, आपकी बुक में भी दे रखा है 20 यहाँ पर, फिर 2 और फिर 20 यहाँ पर। अब ये दो फिलिंदा ब्लैंक्स हमें भरने हैं, तो इसमें क्या है, कितनी जीरो है, ये 4, तो 1 के बाद कितनी जीरो आ गई, 4, फिर 2, फिर दोबारा से 40 और 1। नेक्स्ट में कितनी जीरो है, 6, तो 1 और हमारी 60, 2 और फिर से हमारी 60 और 1। ये हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में भी इसी तरीके से है, आपको फिलिंदा ब्लैंक्स भरने हैं। यहीं पे कर देती हूँ मैं।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमारी क्या वैल्यू बढ़ी है, तो हमारा ये 10 बढ़ गया है ना। यहाँ पे जब हमारा एक 10 बढ़ा था तो देखिए क्या हुआ, 1020 के बाद 3 करके फिर हमारा रिवर्स में जा रहा है, तो यहाँ पे एक 10 बढ़ गया तो 4 तक चलेगा, यानी 1020304, 4 पे लास्ट हो गया, और लास्ट होने के बाद फिर नीचे चलो 03 02 एंड 01। अब हमने देखा यहाँ 5 है, यानी यहाँ पे एक 10 और बढ़ा दो, 101010 एंड 101 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करा मैम ने। चलिए ये आज हम इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।